नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से CSE ID का TSC सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से मॉड्यूल 10 पास आउट करना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किस तरह से मॉड्यूल 10 को पास आउट करने के बाद किस तरह से फाइनल एग्जाम देना है, उसके बारे में वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। अगला वीडियो होगा हमारा फाइनल एग्जाम का, और ये हमारा TSC सर्टिफिकेट का जो भी मॉड्यूल 10 है उसका एग्जाम हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, और उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं। हम एग्जाम दे करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मॉड्यूल 10 में आपको पास आउट करना है। और फाइनल एग्जाम का जो भी हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया, उसका कवर करके हमने रख लिया है, और उसका हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं मॉड्यूल फाइनल का जो भी एग्जाम किस तरह से पास आउट करना है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, उस मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी हमारा CSE का जो सीरीज चल रहा है, उन सभी सीरीज का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 10, 1 से लेकर 10 का मॉड्यूल का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और किस तरह से TSC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं वो भी मिल जाएंगी, और CSE ID का क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप जाकर के देखिए उन सभी वीडियो को, तब जाकर के आपको बेहतर समझ में आएगा कि TSC सर्टिफिकेट क्या है और किस तरह से मॉड्यूल को एग्जाम को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं मॉड्यूल 10 का एग्जाम क्लियर करते हैं।